स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ले संतोष, अब दुकान की पूजा भी हो गई, अब घर चल के मने अदरक वाली चाय पिला दे, बड़ी तलब लगी है। अब आप लोग चलिए, मैं संध्या और छोटू के साथ दुकान का थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। ठीक है छोरा, चल। मुझे इनके साथ शूटिंग देखने भी तो जाना है। बाबू से मंदिर जाने का बहाना करना पड़ेगा। हाँ। अरे क्या हाल है? और बाबू, बाबू, बाबू जरा सुनिए तो। क्या हुई अभी? क्यों गलो फाड़ रही? बाबू, अगर कोई किसी चीज की मन्नत मांगे और वो मन्नत पूरी हो जाए तो फिर फटाफट से भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए ना, वरना भगवान नाराज होकर पटका पटकी कर देते हैं, है ना बाबू? मारी हाँ भी तू ही बोलती है, मारी जबान ने क्यों तकलीफ दिला? दूध मैं नहीं बल्कि आप पिएंगी। अरे वो कहना कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती हैं, उन किताबों को पढ़ने के लिए दिमागी ताकत की जरूरत होती है, इसलिए अब ये दूध बिना किसी बहाना लगाए घटाघट फटाफट खाली कर दीजिए। ये लीजिए। अरे पीजिए पीजिए। वैसे संता जी एक बात तो है, कई बार आप सोचते होंगे कि मैं आपका पति कम आपके माता पिता की तरह ज्यादा बर्ताव करता हूं। वो कहना कि मुझे करना पड़ता है। अरे पीजिए ना। ऐसे एक बात बताऊं, उसमें भी मेरा ही लालच है। वो कहना है कि एक दिन जब आप बड़ी पुलिस अफसरनी बन जाएंगी तो आपके साथ साथ मेरा भी तो बहुत रुआब होगा, मेरी छाती फूल जाएगी और नाक ऊंची हो जाएगी, लोग कहेंगे अरे वो देखो सूरज राठी संध्या राठी का पति जा रहे हैं। संध्या जी बहुत मजा आएगा। सच में संध्या जी, एक दिन आप हम सब का नाम ऊंचा करवाने वाली हैं, हम सबको घमंड करवाने वाली हैं आप। ये लीजिए, थोड़ा सा बच गया, ये भी पी लीजिए। संध्या बीनल के पुलिस अफसर ने बन जाने के बाद मारे छोरे की जिंदगी बिखर जाएगी। आज मारा छोरा पुष्कर में माने हुए हलवाई के रूप में जाना जाए, कल वो पुलिस अफसरनी के पति के रूप में जाना जाएगा। एक बीनड़ी ने देखकर दूसरी बीनड़ी भी अपना रंग बदलना शुरू कर देगी। सच्ची एक बात कहूं, मैं तो दो दिन से हर घड़ी बस यही प्रार्थना कर रही थी कि जेठ जी की दुकान का काम ना जल्दी से शुरू हो जाए, है ना काला? हाँ बीनड़ी, ये सब थारी प्रार्थना का तो फल है। बीनड़ी, प्रसाद के लिए लापसी तो बना ली है ना? लापसी वो बाबू, लापसी तैयार है। यही तो कहना चाह रही थी मैं बाबू कि लापसी बिल्कुल तैयार है।
मैंने ना देवरानी जी को सब समझा दिया था और कहा कि आज से लापसी तुम ही बनाओगी। मैं धीरे धीरे ना अपनी देवरानी को सब सिखा दूंगी, आप चिंता को नहीं करिए। ले संतोष, अब दुकान की पूजा भी हो गई, अब घर चल के मने अदरक वाली चाय पिला दे, बड़ी तलब लगी है। अब आप लोग चलिए, मैं संध्या और छोटू के साथ दुकान का थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। ठीक है छोरा, चलो। मुझे इनके साथ शूटिंग देखने भी तो जाना है। बाबू से मंदिर जाने का बहाना करना पड़ेगा। हाँ, अरे क्या हाल है? और भाबो, भाबो, भाबो जरा सुनिए तो। के होयो बीनड़ी, क्यों गलो फाड़ रही? भाबो, अगर कोई किसी चीज की मन्नत मांगे और वो मन्नत पूरी हो जाए तो फिर फटाफट से भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए ना, वरना भगवान नाराज होकर पटका पटकी कर देते हैं, है ना भाबो? मारी हाँ भी तो ही बोल दिए, मारी चपान ने क्यों तकलीफ दिलावे? नहीं नहीं भाबो, वो बात को नहीं, जब से जेठ जी की दुकान का सत्यानाश हुआ था ना, मारा मतलब है जब वो बंद पड़ गई थी, ब्रह्मा जी से मांग रही थी कि बस किसी तरह हमारे जेठ जी की दुकान का दोबारा से श्री गणेश करें, और देखिए ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सब सकुशल हो गया। और अगर अब मैंने प्रसाद ना चढ़ाया ना भाबो, तो कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। बेनड़ी, जैसे पैसे टके संभाले है ना, तो कम से कम अपनी जुबान ने भी संभाल कर रख, कभी तो सुख बोल दिया कर। जब मन्नत मांगी है तो जा, जाकर प्रसाद चढ़ा। भाबो, आपने बोला है तो मैं यूं जाऊंगी और यूं आऊंगी। एजी, अगर दिमाग हो ना तो बिना मुंह खोले भी छींका जा सकता है। अब हम दोनों देखने जाएंगे शूटिंग। रवि, धीरे बोल, बावली होगी, अपने साथ से मुझे ही मरवाएगी, ऊपर से भगवान को भी शामिल कर लेती अपने झूठ में। अब ये सारी बातें छोड़ो, अपना टाइम निकालो। ऐश्वर्य जी का ताजा अखबार। संतोष, तू एक काम कर, तू चाय चढ़ा। अरे माहेश्वरी जी का ताजा अखबार, ताजा खबरें, थारे हाथ की चाय पीते पीते अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। मैं अभी आया संतोष, अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और आएगा। ना ना, राम 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 राम। राखी जी, तो आप रोज रोज हमारा अखबार चुरा के ले जाते हो? के मजाक कर रहे हैं माहेश्वरी साहब? अरे रंगे हाथ पकड़ा है आपको, मजाक नहीं कर रही मैं। ये बात कर रहे हैं माहेश्वरी साहब? मैं आपकी कोई सोने की ईंट चुराई जो आप ऐसा कह रहे? आप तो यही कहोगे, पर मारे से पूछो, महीनों से अखबार का बिल चुकाकर ताजा अखबार नहीं पड़ा, और इतना साफ सुथरा अखबार देखकर अब पढ़ने का मन नहीं करता। अरे देखिए, ऐसा होता है ना अखबार पढ़ने से। देखो तब तोड़ा मोड़ा फिल्मी पहेलियां भरी हुई, जगह जगह पर चाय के दाग निशान, ऐसा पेपर पढ़ा हमने। ये लो, ये पकड़ो, ये आज का आखिरी अखबार, और इसको गंदा मोड़ छोड़ के वापस करना। भाई साहब, जे लीजिए आपका अखबार, आप ही पढ़िए, आगे से आपका अखबार नहीं उठाएंगे। आज तक जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगू। नहीं नहीं भाभी जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती तो इनकी है ना, कल से ये नौबत आएगी नहीं, मैं कल से अखबार लेना बंद कर रहा हूँ। आज आज कर लो अपने मन की, पढ़ लो और गंदा करके भेजो, जाओ जाओ। आयसूर जी बाबा खामखा नाराज हो रहे, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, बेसर्मी की, सुबह सुबह चार बातें सुन ली ना,
रोज 4 रुपए के पान खाओ, 4 रुपए का अखबार को नहीं खरीद सको। ओके, ये तमाशो हो रही उठे, दूसरा की पंचायती करने में बड़ा मजा आवे ना। बैठ अठे बैठ, थारे लिए चाय नाश्तो भिजवा हूं मैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।